राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार ही चर्चा में है सचिन पायलट, जो अब तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही मौजूद है। लेकिन सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के एक धाकड़ नेता माने जाते हैं, जिनकी बोली, जिनकी तालमेल नेताओं के साथ, जिनका फैसला लेना, जिनका सटीक बयान देना, जिनका एजुकेटेड होने के साथ साथ विवादों से दूर रहना और अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना, कार्यशैली को लेकर एक्टिव रहना और ख़ास तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीब रहना, राहुल गांधी के साथ राजस्थान की डेवलपमेंट को लेकर हमेशा एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, हमेशा उन्हें उनके प्रशंसकों के बीच और जनता के बीच खास बनाता है। और इसी वजह से इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि नजर में आ गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के, जिन पर सवालिया निशान खड़ा हुआ जब राजस्थान के 25 के 25 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। और इसी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री, जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने नहीं पहुंचे राहुल गांधी, उनसे मुलाकात करने से कर दिया राहुल ने मना, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने महासचिव होने के नाते सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को चुना जाए, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो इस पर बड़ी खुशखबरी सचिन पायलट की तरफ से आई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। एक बार फिर से मैं तृप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ ये पूरी की पूरी स्पेशल रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगी कैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री को लेकर खबरें लगातार जारी हैं और इन सब के बीच अशोक गहलोत को उनके मंत्री पद से मुक्त कराने को लेकर भी चर्चा है। तो वहीं उनके बजाय इस बार जनता सचिन पायलट पर भरोसा करना चाहती है, ये बात सामने आ रही है। तो कांग्रेस की पुरानी नेता और यूपीए की अध्यक्ष, संसदीय दल, लोकसभा संसदीय दल की बैठक में सम्मिलित होकर नेता चुनी जाने वाली सोनिया गांधी पर सचिन का बड़ा फैसला आ गया है। सचिन पायलट ने हाल ही में ट्विटर पर कुछ समय पहले एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपके सफल मार्गदर्शन में कांग्रेस सांसद जनता की लड़ाई को संसद में सफलतापूर्वक लड़ेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कांग्रेस सांसदों का हर्षोल्लास बढ़ाने में सचिन पायलट ने ये काम तो किया, साथ ही साथ सचिन पायलट ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो लाजवाब था। सचिन के पक्ष में अब तक अमूमन नेता को देखा गया है जो विवादों से दूर रहे हैं, जिन्हें अपने काम से काफी ज्यादा लगाव है, वो हमेशा हर दिन एक्टिव रहते हैं, इसलिए हर किसी के बीच उन्हीं की बात हो रही है। इन सब के बीच सचिन पायलट नए मुख्यमंत्री राजस्थान के बन सकते हैं, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गौर करने वाली बात है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन सचिन पायलट ने एक बात कही थी। जी हाँ, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राजस्थान के पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक होने वाले प्रचार से बीच में, जहाँ अशोक गहलोत अपने बेटे को लेकर, वैभव गलत को लेकर, उन्हें जिताने को लेकर चर्चा में रहे, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनकी भी हार हो गई तो सचिन पायलट का वो बयान लोगों की जुबा पर आया, अगर काश उन्हें मिलता मौका मुख्यमंत्री बनने का तो आज राजस्थान में कांग्रेस की जो ये हश्र करने के पीछे नेताओं की गैर जिम्मेदारी का कारण बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये वही सचिन पायलट की बात हो रही है जिन्होंने कहा था राजस्थान में 2500 के 2500 सीटों में कांग्रेस राज करेगी, कांग्रेस ही सत्ता पर राज करेगी, कांग्रेस की जीत निश्चित है। लेकिन उनकी बातें फले और उनकी बातें काम ना ही हो, लेकिन जनता के बीच बात करने वाले और काम के साथ बोलने वाले सचिन पायलट ने कभी भी बड़े मुद्दे पर चुप रहना नहीं दिखाया, वो हमेशा बोलते आए हैं और इसलिए उन्हें एक बेहतर नेता के तौर पर, आने वाले समय के युवा नेता के तौर पर और कांग्रेस के बेहतर एक दिशा दिखाने वाले नेता के तौर पर उन्हें चुनने को लेकर बातें हो रही हैं। सोनिया गांधी को लेकर वो खुशखबरी दे चुके हैं कि वो काफ़ी खुश हैं सोनिया के आने पर, देखना होगा सचिन के अगर पद को लेकर
ये फैसला आ जाए कि वो नए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इस पर क्या होता है लोगों की अगली राय पर फैसला। SPN9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।